जैन दोस्तों, मैं पवन रंजन आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। तो आज हम बताने जा रहे हैं जो चीज़ किसी ने आपको नहीं बताई होगी, यूट्यूब पर कोई वीडियो नहीं डली होगी आज तक, कि SSF की जानकारी, SSF के बारे में जानकारी, SSF है क्या, SSF की ड्यूटी कहाँ होती है, इसके बारे में बताएंगे। कई सारी वीडियो डली हैं लेकिन प्रॉपर नहीं बताया गया है कि SSF में क्या क्या होता है, क्या क्या फैकल्टी होती हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो हम बताएंगे कौन कौन सी चीज़ हम आज बताएंगे आपको SSF के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बताएंगे SSF की यूनिफॉर्म क्या क्या होती है, दूसरी बताएंगे प्रमोशन क्या हो, कितने होते हैं, कैसे होते हैं, फिर ड्यूटी टाइम, जॉब लोकेशन और मेडिकल फैकल्टी, क्वार्टर फैकल्टी, लीव, सैलरी और ट्रेनिंग और राशन मनी और वेपन, इनके बारे में बताएंगे। इतने टॉपिक के बारे में बताएंगे कौन कौन से हैं। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं, पहले क्या बताया हम, यूनिफॉर्म कौन सी होती है। तो साइड में आपको यूनिफॉर्म दिख रही होगी कि कौन कौन सी होती है, खाकी भी यूनिफॉर्म होती है, और जो हम पहने हैं अभी दिख रही है मेरी, जो सफारी सूट भी होती है यूनिफॉर्म, और ठंड के समय में जो सफारी सूट है वो बदल के क्या हो जाता है, एक ब्लेजर के रूप में, ब्लेजर पैंट वाइट शर्टें हो जाती हैं, तो ये यूनिफॉर्म हो जाती है इनकी, ये खाकी यूनिफॉर्म जो पुलिस की यूनिफॉर्म रहती है वही यूनिफॉर्म होती है, जरूर ध्यान रखें, ठीक है। आगे हम बात करें प्रमोशन की, प्रमोशन क्या होते हैं, इसमें प्रमोशन होते हैं कि नहीं होते। तो प्रमोशन इसमें होते हैं लेकिन लेट प्रमोशन होता है, थोड़ा लेट प्रमोशन होने का मतलब है कि जैसे अन्य अदर फोर्स में, जैसे अर्धसैनिक बलों में अगर प्रमोशन 20 साल में हो रहा है तो इसमें 25-30 साल लग जाते हैं कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनने में। और हेड कांस्टेबल से फिर क्या बनते हैं, सीधा SI बनते हैं, SI से इंस्पेक्टर बनते हैं, इसमें ये SI नहीं बनते हैं, इसमें ये ध्यान रखिए, पहले क्या बनेंगे कांस्टेबल, कांस्टेबल से SI, एक कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल से SI, SI से इंस्पेक्टर, यहीं तक प्रमोशन होता है, लास्ट अपने इंस्पेक्टर तक क्या जा सकते हैं, इसमें प्रमोशन के द्वारा जा सकते हैं, जरूर ध्यान रखिए, ठीक है। इसमें भर्ती ही केवल किस की होती है, कांस्टेबल की होती है, ना तो SI की भर्ती होती है, ना और किसी पद पर भर्ती होती है, और अन्य बड़े पद आते हैं तो वो आते हैं, मतलब कि डेपुटेशन पर ही आते हैं, जरूर ध्यान रखिए, ठीक है। फिर अगला पॉइंट करें हम बात करें अगले टॉपिक की, कि ड्यूटी टाइम क्या होता है। तो ड्यूटी टाइम के बारे में बताएं, तो ड्यूटी टाइम ये होता है कि 3 शिफ्टों में चलती है, शिफ्ट अलग अलग होती हैं, 2 प्रकार की ड्यूटी हैं, तो जनरल शिफ्ट होती है, जनरल शिफ्ट लड़कियों के लिए होती है तथा जो ऑफिस में वर्क करते हैं उनके लिए जनरल शिफ्ट होती है, दूसरी होती है प्लाटून ड्यूटी, जो बिल्डिंग सिक्योरिटी के रूप में रहते हैं लड़के उनके लिए होती है प्लाटून ड्यूटी। अब जनरल शिफ्ट की बात करें तो जनरल शिफ्ट क्या होता है, जनरल शिफ्ट होती है 9 से 5:30 के बीच में होती है, जिसमें आधे घंटे के बीच में लंच होता है, तो होती है लड़कियों के लिए, कितनी होती है 9 से 5:30 जनरल शिफ्ट होती है, तथा जो ऑफिस में काम करते हैं उनके लिए भी होती है, उनको सैटरडे संडे फिक्स होता है ड्यूटी के लिए, सैटरडे संडे मिलेंगे, ठीक है। अब प्लाटून ड्यूटी की बात करें तो प्लाटून ड्यूटी में कैसी होती है कि 3 शिफ्ट में होती है प्लाटून ड्यूटी 3 शिफ्ट में कैसी होती है, पहली ड्यूटी होती है सुबह की, यानी फर्स्ट ड्यूटी मॉर्निंग शिफ्ट होती है, पहली ड्यूटी होती है मॉर्निंग शिफ्ट, कैसी, फर्स्ट होती है 7 बजे, सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक होती है, और दूसरी होती है दोपहर 1 बजे से शाम के 7 बजे तक, और तीसरी ड्यूटी होती है रात के 7 बजे से सुबह के 7 बजे तक, ये 3 शिफ्ट होती हैं, किसमें, प्लाटून ड्यूटी में होती हैं। अब इनमें होता है जो 6 घंटे की ड्यूटी करेगा ना, उसको कितने घंटे का रेस्ट मिलेगा, 18 घंटे का, जो 12 घंटे की ड्यूटी करेगा उसको 36 घंटे का रेस्ट मिलेगा, ये होती है इनकी ड्यूटियाँ, 2 प्रकार की ड्यूटियाँ होंगी बता दें, ठीक है। आगे हम बात करें जॉब लोकेशन कहाँ कहाँ होती है, जॉब लोकेशन का मतलब कि इनकी जॉब कहाँ कहाँ लगती है, कहाँ कहाँ इनकी ड्यूटी होती है, तो केवल प्रॉपर दिल्ली में ही इनकी ड्यूटी होती है, और दिल्ली में भी कहाँ, मिनिस्ट्री की जो होम मिनिस्ट्री की बिल्डिंग है इनमें ड्यूटी होती है, केवल होम मिनिस्ट्री की जितनी भी बिल्डिंग होती हैं, 3 प्रकार की बिल्डिंग बटी होती हैं, उनमें भी कुछ बिल्डिंगों में ही SSF की ड्यूटी है सिक्योरिटी के रूप में, जो ध्यान रखें, ठीक है। आगे बात करें मेडिकल फैसिलिटी मिलती है कि नहीं मिलती है, ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह इसको भी मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, इसके लिए एक कार्ड बनता है अपने डिपार्टमेंट से, CGHS कार्ड बनता है। अब CGHS कार्ड बन जाएगा तो अपने परिवार को जहाँ चाहे जहाँ वो जो भी गवर्नमेंट, मतलब कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा, प्राइवेट हॉस्पिटल होगा, जहाँ पर CGHS कार्ड चलता होगा वहाँ पर अपनी दवाई करा सकते हैं, पेमेंट कीजिए, फिर वो स्पेशल पर अपने जो ऑफिस होता है वहाँ पर जमा कर दीजिए, तो आपका उतना पैसा आपके अकाउंट में सैलरी के साथ आ जाता है। तो ये फैकल्टी सब में होती है, इसमें भी ऐसे सब में भी है मेडिकल फैसिलिटी, ये जरूर ध्यान देखिए, ठीक है। फिर आगे बात करें क्वार्टर फैकल्टी कि क्वार्टर फैकल्टी का मतलब है कि आपको क्वार्टर मिलता है कि नहीं, तो इसमें क्वार्टर मिलता है, क्वार्टर मिलने का ये है कि जैसे आप क्वार्टर मिलने कब मिलता है, जब जैसे आपने ज्वाइनिंग कर ली, फिर आपकी ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग करने के बाद आओगे तो जब ज्वाइनिंग करोगे तो आप अप्लाई कर दोगे ना, तो फिर अलग अलग जॉब लोकेशन है इसमें, जॉब लोकेशन मतलब कि दिल्ली है, दिल्ली में बहुत सारे जगह जैसे आपको भेजेंगे, कई कोई को किसी बिल्डिंग में, कोई को किसी बिल्डिंग में,
तो वहाँ पर जब अप्लाई करेंगे तो इसमें भी जैसे बिल्डिंगों की ड्यूटी के पॉइंट अलग हैं, ऐसी क्वार्टर के पॉइंट अलग हैं, क्वार्टर अलग अलग जगह बने हैं। अप्लाई करोगे आप करोगे कि मेरे लिए यहाँ पर पहले मिलना चाहिए, मुझे इस स्थान पर चाहिए कि इस स्थान पर मिल जाए, इस स्थान पर नहीं मिले तो दूसरे स्थान पर क्वार्टर मिले, तो आपको एक महीने डेढ़ महीने में आपको क्वार्टर मिल जाता है, क्योंकि जैसे खाली होते हैं उसी हिसाब से क्वार्टर अलॉट होते हैं। जरूर ध्यान देखिए, तो क्वार्टर मिलते हैं। अब वो अलग अलग है, किसी को 1 BHK अप्लाई करेगा, कोई 2 BHK मिल जाता है, किसी को 3 BHK मिलता है, वो अलग अलग बात है। क्वार्टर मिलेगा तो आपको HRA नहीं मिलेगा, और क्वार्टर नहीं लेना है तो आप HRA लेते रहिए, 6000 कुछ मिलता है, HRA 27% है तो वो लेते रहिए, जरूर ध्यान रखिए। ठीक है, आगे हम बात करें लीव की। तो लीव इसमें सबसे ज़्यादा लीव इसी में मिलती है, मुझे तो ये पता है कि लीव के बारे में हम बात करें तो लीव इसी में मिलती है सबसे ज़्यादा। अब लीव का क्या क्या रोल है, तो लीव का यह रोल है देखो कि 30 आपको CL मिलती हैं। कितनी मिलती हैं? 30 EL मिलती हैं, 8 CL मिलती हैं, और 2 RH मिलती हैं, और 17 GH मिलती हैं, और 104 OFF मिलते हैं। इन सभी को जोड़ तो कितने होते हैं आपके, 161 छुट्टियाँ होती हैं। अब जिसमें आपको एक समझ में नहीं आ रहा होगा, ऑफ का सिस्टम है कि आप सैटरडे संडे को जोड़ लें तो 52 होते हैं, मतलब कि हफ्ता 52 सप्ताह को जोड़ें तो 52 सप्ताह में कितने, 2 सैटरडे संडे होते हैं, 52 × 2 = 104, ए हो जाते हैं आपके छुट्टियाँ 104, तो टोटल जोड़ लें 161, और 20 मेडिकल लीव हर साल होती हैं तो पूरी जोड़ो तो कितनी होती हैं, 181 छुट्टी हो जाती हैं आपकी, 181 छुट्टी बन जाती हैं, जरूर ध्यान रखिए ये होती हैं। ठीक है, दोबारा बता दें क्या, 30 EL 8 CL 30 EL 8 CL 2 RH 17 GH और 104 OFF होते हैं, 20 मेडिकल लीव होती हैं। छुट्टियों की बात हो गई, आगे बात करें आपकी सैलरी की। सैलरी कितनी बनेगी जब आप ज्वाइन करोगे, तो आपका बेसिक पे कितना होगा, 21,700 होगा, उस पर जितने भी पढ़ेंगे तो आपके जब ज्वाइन करोगे तो आपकी लगभग सैलरी 38,000 के समथिंग बनेगी। जैसे अभी इस साल जिस बच्चों ने ज्वाइन किया है ना, उनकी लास्ट ऑफ मंथ में सैलरी कितनी आएगी, 38,000 कुछ आएगी। जैसे हमारी है, हर साल इसमें होता है ना, बेसिक पे बढ़ता रहता है, हमारा बेसिक बढ़ गया तो हमारी 40,000 वेतन बनने लगी, पुराने जो अभी बच्चे ने ज्वाइन किया उनकी 38,000 हो रही, तो वो बढ़ती रहती है वेतन, तो 21,700 के हिसाब से अभी वर्तमान की वेतन देखी जाए तो 38,000 वेतन बनती है इनकी, जरूर ध्यान देखिए कितनी बनेगी, 38,000 वेतन बनेगी। ठीक है, आगे हम बात करें ट्रेनिंग की। इनकी ट्रेनिंग कौन कराता है, तो ट्रेनिंग है जैसे ट्रेनिंग कितने महीने की होती है और कौन कराता है बात करें तो ट्रेनिंग 6 महीने की होती है, 6 महीने मतलब कि 24 वीक, 24 की एक महीने में कितने वीक होते हैं, 4 वीक होते हैं, 4 वीक की मतलब कि क्या, 4 वीक के हिसाब से लगा दो, 6 × 24 वीक हो गए, 24 वीक होता है, 24 वीक ट्रेनिंग होती है। और कौन कराता है, तो दिल्ली पुलिस भी कराती है, कोई भी अर्धसैनिक बल भी करा सकता है। अभी तक SSF की ट्रेनिंग किन किन अर्धसैनिक बल ने कराई है और किसने कराई, तो देखो अभी तक की बात है तो दिल्ली पुलिस तथा CRPF ने ही SSF की ट्रेनिंग कराई है। हम लोगों का बैच है, किसने कराया हम लोग बैच की ट्रेनिंग, दिल्ली पुलिस CRPF ने कराई है। हमसे पहले के 2 बैच थे उनकी ट्रेनिंग है दिल्ली पुलिस ने कराई थी, तथा उससे पहले का बैच 1996 में आया था। आप सोच लो 2017 के पहले भर्ती कब हुई थी, 1996 में इनकी ट्रेनिंग किसने कराई थी, CRPF ने कराई थी 1996, जहाँ नीमच में हुई ट्रेनिंग हम लोगों की, वहीं 1996 में नीमच में ट्रेनिंग हुई थी, CRPF ने कराई थी। उसके बाद 1970-15 में भर्ती आई, 17 में ज्वाइनिंग, तो उनकी ज्वाइन ट्रेनिंग CRPF दिल्ली पुलिस ने कराई, फिर उसके बाद 21 में ज्वाइनिंग हुई दिल्ली पुलिस ने कराई, हमारी 22 में ज्वाइनिंग हुई हमारी CRPF ने कराई। अब इस बार जो बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं उनकी ट्रेनिंग लगभग दिल्ली पुलिस कराएगी अंदाजा है, क्योंकि अदर अर्धसैनिक बल नहीं कराएंगे, क्योंकि उनको अपने जो बच्चे भर्ती हुए ना उनकी ट्रेनिंग करानी है, तो उनके सेंटर वैसे भी खाली नहीं होंगे, ये बात है जरूर ध्यान रखिए। ठीक है, आगे बात करें राशन मनी, किसमें राशन मनी मिलती है कि नहीं मिलती, तो इसमें देखो राशन मनी नहीं मिलती, अदर फोर्सों में राशन मनी मिलती है लेकिन इसमें राशन मनी नहीं मिलती, क्योंकि इसमें सिविल में काउंट किया जाता है इसको, इसलिए इसमें राशन मनी नहीं मिलती, सिविल में काउंट किया जाता है इसलिए, जरूर ध्यान रखिए। और वेपन के बारे में बात करें तो वेपन आपको मिलता है ड्यूटी टाइम के नहीं मिलता है, तो इसमें वेपन आपको नहीं मिलेगा, ड्यूटी टाइम वेपन नहीं मिलता है, लेकिन जबकि ट्रेनिंग होगी ना तो ट्रेनिंग में आपको वेपन की ट्रेनिंग दी जाएगी, वेपन के बारे में सिखाया जाएगा, वेपन क्या क्या कौन कौन से वेपन होते हैं उनकी ट्रेनिंग में, मतलब कि आपको चलाना सिखाएंगे, खोलना जोड़ना हर चीज़ सिखाएंगे, उनके बारे में सिखाएंगे, किसमें कितने राउंड आते हैं, फायरिंग भी आपसे कराएंगे, कितनी कितनी फायरिंग कराएंगे वो बात अलग है, तो ट्रेनिंग में सिखाएंगे, लेकिन आपको ड्यूटी टाइम पे वेपन नहीं अलाउ होते हैं, ये जरूर ध्यान रखिए। तो ये आपको वीडियो जो भी अच्छी जैसी भी लगी हो तो आप कमेंट में जरूर लिखिए, और कोई भी पॉइंट अगर इसके बारे में छूट गया है तो वो बताइए, उसके बारे हम जानकारी अगली वीडियो में बताएंगे क्या क्या छूट गया, उसकी जानकारी हम आपको आगे भी दे सकते हैं। और दूसरी चीज़, आपको कोई भी डाउट हो तो हम इंस्टाग्राम ID लिंक में डाल देंगे, उस पर आप जाके लिंक मतलब इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तथा जो कमेंट बॉक्स है उसमें भी हम पिन कर देंगे, तो उस पर जाके मुझसे कोई भी जवाब पूछ सकते हैं, मैं जितनी कोशिश करूँगा उतनी जल्दी आपको जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तो ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।